हीरा जड़े बेड पर सोता है, सोने के सोफा सेट पर बैठता है। ये कोई राजा नहीं, यूपी का आईएएस है। नौकर करोड़पति खुद अरबपति, कौन है आईएएस मोहिंदर जिसका ठिकाना देखल गई ईडी की टीम। चंडीगढ़ में बनाया महल, दुबई में खरीदी जमीन, दिन रात रहता था मायावती की सेवा मिली। योगी ने पढ़ी फाइल, मोदी ने भेजे ऑफिसर, रेड में मिले ऐसे सामान, पूरे यूपी में मचा घमासान। कहते हैं कि एक बार आईएएस बन जाओ और भ्रष्टाचार के समंदर में डुबकी लगा लो तो सात पुश्ते बैठकर खाएंगी, बशर्ते कि सिस्टम और सरकार अपना हो। साल 1977 बैच के आईएएस ऑफिसर मोहिंदर सिंह ने भी यही वाली थ्योरी अपनाई। शुरुआत में ईमानदार और कड़क, लेकिन धीरे धीरे भ्रष्टाचार के इतने बड़े सरगना बने कि घर पर बोरियों में भरकर नोट आती, नौकरों के घर पर नोट गिनने की मशीन रखवाई जाती और नोट गिनने वालों को ऐसे ही गड्डियां भेंट कर दी जाती। संपत्ति दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही थी। तब की मुख्यमंत्री मायावती इन पर इतनी मेहरबान थी कि एक साथ इन्हें तीन तीन संस्थानों का सीईओ बना देती हैं। कहने को तो ये एक आईएएस ऑफिसर थी, लेकिन रुतबा मुख्य सचिव से कम नहीं था। अगर किसी बिल्डर को नोएडा ग्रेटर नोएडा में जमीन खरीदनी है तो बिना मोहिंदर को 6% कमीशन दिए कोई नहीं दिलवा सकता था। और ये पैसे इतने साफ तरीके से लिए जाते थे कि ईडी की टीम को भी फाइल खंगालने में कई साल लग गए। रिटायरमेंट के एक दशक बाद अब सच खुला है और सबसे बड़ी हैरानी तब हुई जब ईडी ने बीते दिनों चंडीगढ़ में इनके घर पर छापा मारा। रिटायर्ड आईएएस के आलिशान महल में सोने हीरे, 7 करोड़ रुपए के हीरे मिले, जिनमें से कई बेड में जड़े थे। 7 करोड़ रुपए के गहने घर की अलमारियों में पैक रखे थे। 1 करोड़ रुपए कैश घर में अलग अलग जगहों पर छिपा कर रखे थे। कहा ये तक जा रहा है कि आईएएस मोहिंदर के घर के सोफे और कुर्सियों पर भी सोने की परत जड़ी थी। ईडी की टीम को विदेश वाली कई जमीनों के दस्तावेज भी मिले हैं। दुबई में भी इनके निवेश होने की बात सामने आई है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक आईएएस इतना अमीर कैसे हो सकता है। तो इसकी कहानी भी आपको सुनाते हैं। आज नोएडा ग्रेटर नोएडा में जो फ्लैट खरीदार रो रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि साहब हमने पैसे जमा कर दिए थे, हमें अपने फ्लैट का कब्जा नहीं मिला है, कई बरस बीत गए हैं, अब लोन भरते भरते हालत खराब हो गई है और उनके असली गुनहगार आईएएस मोहिंदर जैसे लोग ही हैं। जनता का सबसे बड़ा दुश्मन निकला ये आईएएस। हजारों वर्ग मीटर की जमीन बेहद कम पैसे में बड़े बड़े बिल्डर को दी गई, बिल्डर ने किश्त देनी बंद कर दी, तब भी ऐसे ऑफिसर ने जमीन नहीं छीनी। आज आम्रपाली पर अथॉरिटी का 4500 करोड़, सुपरटेक का 3062 करोड़ रुपए बकाया है। यूनिटेक और जेपी समेत कई बिल्डरों के हजारों करोड़ रुपए अथॉरिटी को नहीं मिले हैं। करीब 10 बिल्डर दिवालिया घोषित हो चुके हैं। 9000 करोड़ रुपए अथॉरिटी के फंसे हैं। अब बिल्डर की दिवालिया होने का मतलब यह है कि आपने अगर फ्लैट की प्री बुकिंग करवाई है तो वो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसे अधिकारियों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उन्हें मतलब होता है हजारों करोड़ के कमीशन से। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले नोएडा में बने अवैध ट्विन टावर को कोर्ट ने गिराने का आदेश दिया था। रिटायर्ड आईएएस मोहिंदर का नाम उस मामले में भी सामने आया था और मोहिंदर इस खेल में अकेला नहीं है, बल्कि यादव सिंह जैसे ऑफिसर भी रहे हैं जिन्होंने नोएडा के कई इलाकों को तो यूं ही बेच दिया, लेकिन सरकारों ने नौकरी से हटाने की बजाय इन्हें प्रमोशन दिया। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट से बिना डिग्री यमुना एक्सप्रेसवे के चीफ इंजीनियर तक पहुंचा दिया। और खुलासा तब हुआ जब इनकम टैक्स ने छापा मारा और जनता और सिस्टम के ऐसे दुश्मन का इलाज ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई ही करती है, जिनके खजानों की पोल खोलती है, काली कमाई पर ताला लगाती है, इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाती है। पर सवाल ये है कि ये सब शुरुआत में ही क्यों नहीं दिखता। अगर मोदी जी ने जांच एजेंसियों को इतनी खुली छूट नहीं दी होती तो शायद आज भी ऐसे लोग नहीं पकड़े जाते। योगी के बुलडोजर का खौफ नहीं होता तो इनके हमदर्द अपना मुंह नहीं खोलते।